जीत। मैं कला मंथन हूँ, पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ और आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर बेसिकली। दिस इज द स्टोरी विच आई एम गोइंग टू टेल इज माई फर्स्ट स्टोरी। आई रोट इट लास्ट ईयर इन नवम्बर एंड समबडी फोर्स्ड मी टू राइट इट, लाइक लिटरली इट वॉज अ फोर्स टू राइट एंड इट केम आउट एंड आई डोंट राइट, सो प्लीज डोंट जज एंड आई एम वेरी नर्वस। दिस इज माई पर्सनल स्टोरी। घर, अपना घर हर एक शख्स की चाहत होती है, क्योंकि जो सुकून अपनी छत के नीचे मिलता है वो शायद ही इस दुनिया के किसी भी कोने में मिले। अक्सर लोग सारा जहां घूमने के बाद भी अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपने घर में ही गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका घर ही उनकी ज़िंदगी होती है, उनका आशियां होता है जो अनेक यादों को अपने भीतर समेटे अडोल खड़ा रहता है। पर अगर किसी का अपना घर ही ना हो, सर पर छत ही ना हो, तो ये कहना ठीक है कि उनकी ज़िंदगी ही एक किराए का घर बनकर रह जाती है। मैं कुछ 5 साल की थी जब मेरे दादाजी इस दुनिया को छोड़ गए और उनके जाते ही वो घर भी छूट गया जो उन्होंने अपने मरते दम तक ना बेचने का फैसला किया था। और वहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला किराए के घर का, या यूं कहूँ किराए की ज़िंदगी का। वैसे तो हर एक शख्स की अपने घर के साथ एक अटूट यारी होती है, क्योंकि उस घर ने उनके साथ सब महसूस किया होता है, जैसे कि उनके पहले लड़खड़ाते कदम, वो बेफिक्री, किसी अपने के गुजर जाने का दर्द, बेशुमार यादें और ना जाने क्या। पर मेरी ऐसी दोस्ती कभी हो ही नहीं पाई। मैं जब किसी मकान को अपना समझने लगती थी, उससे बिछड़ने का समय नज़दीक आ जाता था। घर तो बदलते ही रहे और हर मकान मालिक ने हमसे नकद किराया भी वसूला, पर इसके साथ ही हर घर ने भी किराया लिया, जिंदगी का किराया। हर एक किराए के मकान ने मेरे किसी अपने को छीना है, जैसे कि वो घर हमारी ज़िंदगी का भूखा हो, जैसे कि हमारी ज़िंदगी ही किराए की हो। मैं 12 साल की थी जब मेरे बड़े पापा गुजर गए, जिनको मुझे आखिरी बार देखना भी गुजारा नहीं हुआ, क्योंकि उनका ध्यान 7 समंदर पार अमेरिका में हुआ, जो कि मेरे ख्याल से उनका सपना था जिसके लिए उन्होंने हमारा अपना घर बेचा था। उनकी रूह भी उसी समय निकली जब वो आखिरकार 7 साल बाद हमें अपना घर खरीद कर देने वाले थे। पर उनके चले जाने के बाद अपने घर का ख्वाब और दूर चला गया। अपना घर तो दूर, उनके चले जाने के बाद गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। मुझे आज भी याद है कि कितने दिन घर पर चूल्हा नहीं चढ़ा था और भूख तो जैसे हमसे नाराज किसी कोने में छुपी बैठी थी और आने का नाम भी नहीं ले रही थी। बढ़ते किराए के कारण फिर से घर बदलते रहे। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, घर छोटे होते जा रहे थे। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि अपने घर में चुप रह के सूखी रोटी भी खा लो तो नहीं चुपता, पर हर महीने का किराया खोखला कर देता है। और ये किराया चुकाने का दिन ना बिल्कुल पीरियड्स के दिन की तरह होता है, जो हर महीने आता है और बहुत तकलीफ देता है, जिसको केवल आप ही महसूस कर सकते हो। और अगर कुछ दिन ऊपर हो जाए ना, अगर कुछ दिन ऊपर हो जाए तो वो दर्द बढ़ जाता है। इस किराए ने मेरे पापा को एहसान और उधार के बोझ के नीचे दबा दिया था, पर मजाल है कि उन्होंने कभी सी भी किया हो, पर वो अंदर ही अंदर घुटते रहते थे और उनकी हरे रंग की चमकती हुई आंखों के नीचे ये छुपा हुआ डर और दर्द मैं महसूस कर सकती थी। जैसे जैसे मेरी बहन की शादी करीब आ रही थी, उनका ये बढ़ता हुआ डर और दर्द मैं देख सकती थी, महसूस कर सकती थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई जब मेरी बहन के हाथ में मेहंदी लगनी थी, पर किसी को क्या पता था कि वो रात इस कदर अपना रुख मोड़ लेगी और हमारी ज़िंदगी में आई उस एक खुशी को भी हमसे छीन लेगी। मैं 16 साल की थी जब उस रात खुदा ने मेरी दादी की भी सांस ले ली।
और हमारी जिंदगी में आए उस खुशनुमा लम्हे को छीन लिया। एक बार फिर जब मुझे लगने लगा था कि किसी घर ने हमें अपना समझा है, उसने अपना किराया ले ही लिया। वो अगले दिन की सुबह बेहद अजीब थी। एक हाथ से मेरे पापा अपनी माँ को अग्नि देकर आए थे और दूसरे हाथ से उन्होंने अपनी बेटी को हल्दी लगाई थी। एक ही पल में वो घर इस तरह सूना हो गया था जैसे कि वो यही चाहता था। एक ही पल में हमने एक साथ दो लोगों को विदा कर दिया था। कुछ समय बाद फिर घर बदला, हालात भी बदले और एक तरफ मेरी बहन एक्सपेक्ट कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मेरे पापा डायलिसिस पर आ गए थे, क्योंकि कोई खुशी जैसे ही दस्तक देती थी ना, गम उसके पीछे भागे भागे आ जाते थे। ऐसा लग रहा था मानो उस घर ने अपना किराया वसूलने का जाल डाल दिया हो। पर मन ही मन मैं सोच रही थी कि ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानियां हैं, भला कोई मकान ऐसा षड्यंत्र क्यों रचेगा। पर उस मकान ने मुझे सही साबित करने के लिए मानो जी जान लगा दी थी। कुछ 1.5 साल बाद हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया और इस दफा मैं बेहद खुश थी। मुझे लग रहा था मानो जो जंग मेरे और इस किराए के मकान के बीच चल रही थी उसमें मैंने फतेह हासिल कर ली हो। पर हमारे वो मकान खाली करने से कुछ समय पहले ही हमारे नीचे वाले घर में एक अंकल रहते थे जिनको लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोस हुआ और वो पूरे हो गए। अटपटी बात ये हुई कि उन्होंने अपनी आखिरी श्वास मेरे सामने मेरी मम्मी के हाथों से गुरुद्वारा साहिब का जल पीते हुए लिए। मुझे फिर से अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सच होती नजर आई, पर फिर भी दिल में तसल्ली थी कि मेरे घर में तो सब ठीक है। कुछ समय बाद घर बदल लिया जो कि उसी मोहल्ले में था और वहाँ आके काम करने वाली आंटी से पता लगा कि हमारे यहाँ आने से पहले ही यहाँ किसी का इंतकाल हुआ था, जिससे फिर मेरे जहन में खौफ पलने लगा। इस घर में आने के बाद पापा की तबीयत साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ गई थी, पर फिर भी पापा को यकीन था कि जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म होगा और मैं जॉब करने लगूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। और वो दिन भी आ गया कि मेरा कॉलेज क्लियर हो गया और कॉलेज क्लियर होने के कुछ समय बाद ही पापा ने मुझे इग्नू से मास्टर्स करने के लिए 5,000 पकड़ाए और बोले कि वैसे तो ये पैसे मैंने अपनी चिता की लकड़ों के लिए रखे थे, पर तेरी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई और मेरे आने वाले दिन डर तले गुजरे। इस घर में आने के बाद पापा ने बाहर निकलना छोड़ दिया था, बहुत ही कम बात करते थे और यूं ही एक दिन सो रहे थे दोपहर के समय और काफ़ी समय बाद मेरी मम्मी की भी अचानक आँख लग गई थी, जबकि मैं वहीं लेटी थी अपने फ़ोन में मशरूफ़। कुछ 3:15 के करीब मम्मी उठी। उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में मुझे पापा को उठाने के लिए कहा क्योंकि उनकी रोटी देने में देरी हो गई थी। मैंने साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा कि वो गहरी नींद में है, मैं नहीं उठाती। मम्मी ने उन्हें आवाज़ लगाई तो उन्होंने मुँह मार दिया। मम्मी ने जैसे ही उनको पलटा तो देखा कि उनकी आँखें चढ़ी हुई थी और जीभ मुड़ी हुई थी। मैं बेहद घबरा गई, मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मम्मी ने अपनी सहमी हुई आवाज़ में मुझे शरबत लाने को कहा क्योंकि उनके मुताबिक पापा की शुगर लो हो गई थी। मैं लड़खड़ाती हुई रसोई घर तक गई। मुझे यूँ लग रहा था मानो ये मैंने अब तक का सबसे लंबा सफ़र तय किया हो। जैसे ही मम्मी ने पापा को शरबत पिलाया वो सारा बाहर आ गया और उनकी धड़कनें रुक गई और मेरी माँ की जिंदगी। मैं चिल्लाती रह गई पर पापा नहीं उठे। मन तो यूं हो रहा था कि उस मकान को ही आग लगा दूं। आज उनको गए हुए 11 महीने और 25 दिन हो गए हैं और अब हमें फिर मकान बदलना है। और सही कहूं तो अब इस ख्याल से ही मेरी रूह कांप पड़ती है कि कहीं हमेशा की तरह। खैर छोड़ो, होनी को कौन टाल सकता है, ये तो मेरा महज एक वहम है, भला कोई मकान ऐसा षड्यंत्र क्यों रचेगा।